हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए, यहाँ पर आज मेरा सुबह से ही यही काम हो रहा है, घर शिफ्टिंग का। और जो आपने पिछला वीडियो देखा था वो तो कुछ भी नहीं था, आज पूरा घर खाली हो जाएगा। लगभग सुबह से ही हमने लगे थे 8 बजे से, और 8 बजे से पहले ही आज मैं जल्दी उठी थी और खाना वगैरह मैंने डाइट बना लिया था 2 टाइम के लिए, ताकि घर जब चेंज होगा और हमें मतलब कि 2 बजे तक हमारा सारा सामान चला जाता है। और मतलब आप यहाँ पर देख पा रहेंगे कि ज़्यादा सामान मेरा जो है ना, फर्नीचर का सारा सामान है। तो ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना, ये मेरा नया है। तो जब शुरुआत में ही ये दो भैया आए थे ना, तो उन्हीं को ही सबसे पहले मैंने कहा था ना, मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि सबसे पहले मेरा ड्रेसिंग टेबल ले जाइए। और ये सिर्फ सिंगल पीस ही जाएगा, इसमें ज़्यादा सामान लोड नहीं होगा इस ट्रिप में। तो इसी वजह से ये ड्रेसिंग टेबल है ना, सबसे पहले लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इसमें शीशा है और ये फूटने का बहुत ज़्यादा चांस है। और इसी वजह से तो फिर बस वो लोग नीचे उतार रहे थे वो ड्रेसिंग टेबल, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे। यहाँ पर आप सब देख सक रहे हो, ये जो गद्दा है ये भी साथ में चला जाएगा ऊपर, यहाँ मतलब कि कहीं बीच वाले जगह पर। तो वो जो है ना, सबसे फर्स्ट में हमने ड्रेसिंग टेबल को ही नीचे उतरवाया है और गाड़ी में अभी रखा है नीचे, अभी लोड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो गद्दा वगैरह है और बाकी की चीज़ें हैं, जैसे कि ये बेड, तो ये जो बेड है ना, ये तो वैसे सिंगल ही बेड है ये, तो ये बॉक्स वाला है नहीं, सिंपल है। तो ये इसका जो खोल खाल करना है वो हम कर रहे हैं। बाकी के जो दो भैया थे वो अपना, जैसे और भी चीज़ें मैंने पैकिंग करके रखी हुई थी, वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि किचन की चीज़ें मैंने पहले ही जितने भी बॉक्स थे, मसालदानी, बर्तन, चावल, मतलब जितने भी जो किचन का आइटम है ना, वो सब मैंने पैक कर दिया था, कटोरी बर्तन सब, मतलब सब कुछ। तो वो धीरे धीरे वो भैया उतार रहे हैं नीचे, और ये जो गद्दा है इसे भी अभी लेकर जाएंगे और मिलकर पकड़ के। उसके बाद फिर यहाँ पे ना, मेरा जो छोटा मोटा ज़्यादा सामान नहीं है, जो मेरा यूज होने वाला चीज़ था वही चीज़ है। बाकी बड़े बड़े चीज़ तो मेरे पुराने घर पे ही है, आप सब देखे ही होंगे, जैसे कि अलमारी है, बड़ा वाला जो हमने नया बेड लिया था वो है। आपके मन में इतने सारे सवाल है, इतने सारे क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने देखा था जो पिछला वीडियो गया है मेरा, कि आप इतना जल्दी घर क्यों बदल रहे हो, इतना बार शिफ्टिंग क्यों कर रहे हो। तो मैं पहले ही बताई थी फ्रेंड्स, किसी को शौक नहीं लगता है इस तरह कि अपन मतलब अपनी जो कमर तोड़वाने के, किसी को शौक नहीं लगा है, मैं बता दे रही हूँ। तो जो हमारे साथ होता है ना, वो स्थिति परिस्थिति को देखकर, और ये होता है कभी कभी हमारे मन के मुताबिक होता है, कभी कभी हो जाता है। तो इसी वजह से बहुत सारे मन में आपके क्वेश्चन होंगे, तो बस उसके तो सभी के आंसर मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊँगी, लेकिन जो भी मेरे से आप ये वीडियो जब देख रहे होंगे, तो इस बार भी आपको लग रहा होगा बहुत सारे क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बस एक बार फ्री हो जाऊँ, उसके बाद ही मैं सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना सबसे पहले ये जो ड्रेसिंग टेबल है, ये हम ऊपर भी रख सकते थे, ऊपर जो ऑटो के ऊपर है वहाँ पर भी रख सकते थे, लेकिन हम वहाँ पे नहीं रखवाए, क्योंकि फिर उतारने में काफ़ी दिक्कत होती है। ये जो नीचे है, नीचे की जगह में ही हम लोग रखवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये फिर उतारने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और रस्सी से मजबूती से बांध रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आप मतलब कि हम लोग के पास ऑटो ही है मेरे हस्बैंड के पास, तो इसी वजह से हमने और दूसरा ऑटो नहीं किया, जो माल ढोने वाला टेम्पो रहता है या फिर और भी गाड़ियाँ रहती है, वो वाला हमने नहीं किया। अगर वो वाला करते तो फिर तो मेरा एक ही बार में सारा सामान चला जाता, लेकिन वो वाला बुक करने से यही होता है ना कि पूरा दिन फिर बुक करना पड़ेगा,
और उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब हम लोग के पास यहाँ पर है ही है तो हम लोग का ना मुश्किल से 3 ट्रिप में चला जाता है। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे इस बार ज़्यादा सामान नहीं भरे थे, लेकिन सेकंड टाइम जब गया था ना उसमें बहुत सारा सामान गया था, जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज और सोफ़ा, ये 3 चीज़ें और एक ये ड्रेसिंग टेबल, 4 चीज़ें तो मेरे घर में मोटा मोटी है ही है। और रहा बात बेड का, तो वो तो खुलने वाली चीज़ें हैं, तो वो खुलने वाली चीज़ें जो है ना वो खुल जाती है, वो कहीं पर भी हम उसे सेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने मतलब कि सोचा कि चलो 3 बार तो हो ही जाएगा, और अपना है तो, और ये भी काम करते ही हैं और 2 भैया भी लगवाए थे तो फिर सारा सामान ले जाते हैं। और मैंने जैसे कि कहा कि मोटा मोटी हम लोग के पास बड़ा बड़ा ही सामान था फर्नीचर का। सोफ़ा जो है ये मतलब जगह तो लेता है, लेकिन ये ज़्यादा हैवी वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं। तो ये देखिए, बेड भी ज़्यादा जगह नहीं लेता है। यहाँ पर सुबह से ही मैं यहाँ पर पैकिंग में लगी थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कपड़े हैं ना, ये मेरे डेली यूजेज के कपड़े हैं। इसमें मेरे हस्बैंड के, आदित्य, आशी, अयांश और मेरे सारे कपड़े मैं इसी लोहे का जो अलमारी मेरा बना हुआ है इसी में ही मैं रखती हूँ। और ये जो लोहे का अलमारी वैसे दिख रहा होगा ना कि कितना कम है, लेकिन जब मैं पैक करती हूँ ना, 2 बोरे 3 बैग ये सारे चीज़ें ना इसमें मतलब कि इतना ज़्यादा हो जाता है दिखने में। जब हम लोग एक तरह से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं किसी चीज़ में, अलमारी में खासकर, तो पता नहीं चलता है कि कितना सारा हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बैगों का ढेर लग रहा है और बस इतना ही कपड़ा है मेरे घर में, और ज़्यादा कपड़ा नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि कितना कपड़ा आ गया है बैग में, कितना मैंने पैकिंग किया है। मेरे जो भी कपड़े रहते थे इसी रूम में ही रहते थे, तो इसी वजह से देखिए, एक जो सूटकेस है इसमें तो हमारे नए कपड़े रहते थे, छोटे वाले अलमारी में आदित्य से के न्यू कपड़े रहते थे और अयांश के, लेकिन जो रेगुलर यूज वाले कपड़े हैं ना वो काफ़ी हो जाते हैं। और मुझे लगता है ना हर घर में कपड़े तो बहुत ज़्यादा होते होंगे सारे, मतलब कि कोई भी मेरे यहाँ पर भी ज़्यादा कपड़े हम लोग नहीं पहनते, लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं सबके ज़्यादा सदस्य तो ज़्यादा कपड़े। तो इसी वजह से आप मेरा ये पूरा घर देख सकते हो, उतना भी बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग शिफ्टिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। मैं तो सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई थी और मन में ये भी था कि ये जितने भी सामान है ना, जितने भी मैं भर रही हूँ, पैक कर रही हूँ, फिर वही मतलब कि अभी मेरा तो हो गया है। और ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पे देखिए, ये अयांश के कपड़े बास्केट में है, ये बैग, और 2 बैग में तो सिर्फ मेरे कपड़े आए हैं, और ये बोरे और ये आदित्यासी और मेरे हस्बैंड के, इसमें सब में आ गए। और फ्रेंड्स बस यही था ना कि 4 दिन तो मेरे मतलब कि जब हम जिस दिन काम करते हैं किसी दिन, और देखिए मैं तो कितना काम करती हूँ, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना तो उसके अगले दिन इतना ज़्यादा शरीर दर्द करता है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अब आ गई थी यहाँ पे फ्रिज की बारी, और फ्रिज को भी ये भैया लेकर जा रहे हैं धीरे धीरे संभल कर ही। और जो ये सोफ़ा था, वैसे तो 2 कुर्सियाँ जो थी ना वो आराम से चली गई सीढ़ियों से, लेकिन ये लंबा वाला ना सीढ़ी थोड़ा छोटा छोटा है यहाँ का, तो हमें बालकनी से उतारना पड़ा, लेकिन वो भी बहुत तेज़ी से उतर गया क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है और नीचे से ही देखिए मेरे हस्बैंड और दूसरे भैया जो है यहाँ पे पकड़े हुए हैं। और जब वॉशिंग मशीन गया ना, ये सेकंड ट्रिप चल रहा है, और सेकंड ट्रिप में ही मेरा घर पूरा खाली हो जाता है, पूरा घर खाली हो जाता है। 2-4 बर्तन थे जो कि अभी हम लोग खाना खा लेंगे और उसको बर्तन धो के फिर वो हमारे साथ ही चला जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूरा फर्नीचर अभी चला गया, इसमें वॉशिंग मशीन है, इन्वर्टर है, सोफ़ा है, टेबल है, मतलब टोटल सामान मेरा इसी में ही गया है ज़्यादातर सामान। बेड भी देखिए इसी में है, और सारा सामान चला गया, घर पूरा खाली हो गया। बस एक ही किचन में जो है ना, किचन बस किचन में 2-4 बर्तन है, और जो पर्दे वगैरह लगे हुए थे उसे मैं भी काम कर ही रही थी, और मैं मतलब कि जो सारी चीज़ें उसके अरेंजमेंट कर रही थी, जब तक ये देखिए, जब ये गए थे ये सेकंड ट्रिप में पूरा सामान ही चला जाता है,
तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। थोड़े बहुत कपड़े थे और थोड़े बहुत बर्तन थे और यही सब, और कुछ पर्दे थे, वो सब मैं बाकी काम यहाँ पे कर रही थी और बच्चों को संभाल रही थी। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, ये घर पूरा खाली हो गया है। और एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ कि कुछ सामान हम लोग भूले तो नहीं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर देखिए सारा हो गया है, सब चीज़ हमने मतलब कि मैं भी चेक कर ले रही हूँ और एक बार मैं वीडियो भी कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने इस घर में पूरे 6 महीने बिताए हैं। तो 6 महीने काफ़ी टाइम होते हमें आदत हो गई थी, तो थोड़ा सा हो जाता है, लगाव हो जाता है, जिस घर में हम रहते आदत बन जाती है। मिस करेंगे हम इस घर को, खासकर इस घर का जो हॉल था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, अयास बहुत खेलता था। और देखिए ये लास्ट ट्रिप जा रहा है, उसके बाद फिर हम लोग भी चले जाते हैं। तो बस ये छोटे मोटे चीज़ें जो इसमें बची खुची थी सब इसमें आ गया है, और उसके बाद बस अब इस घर को बाय बाय बोलते हैं। और आप मन में यही सवाल चल रहा है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप खुद ही देख लीजिए। ये घर में, ये पहले का ये क्लिप है जब मैं आई थी इस घर की सफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स हाँ, हम लोग अपने खुद के घर में वापस आ गए हैं, और वापस आए थे तो मैं कुछ दिन पहले आई थी, एक हफ्ते पहले, तो उस टाइम मैंने पूरे घर की सफाई करके और चली गई, क्योंकि हमें यहाँ पर आना ही था। जब हमारा वहाँ पे मतलब पूरा जब हो ही गया था, फैसला ले ही लिए थे कि हम अब हमें इस घर में आना ही है, तो फिर इस घर की सफाई वगैरह मैंने कर दिया। और उसके बाद देखिए आप सबके बहुत लोगों ने पूछा है कि आप अपने घर वापस जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स हाँ, हम लोग अपने घर में ही आ गए हैं वापस। और फिर बहुत लोग तो गैस भी कर लिए थे कि मैं यहाँ पे आने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कभी कभी मतलब कि समय के अनुसार हमें ढल जाना चाहिए, और कभी कभी हमें पता नहीं क्या क्या दिन दिखाती है ये सिचुएशन। तो फिर वही देखिए, अपना तो मैं जानती हूँ कि अपना घर चाहे कैसा भी हो अपना ही होता है। और रहा बात मेरा घर कैसा भी है, मैं इस घर में बहुत खुश रहती थी, क्योंकि ये मेरे पति का घर है और मैंने सालों बिताए हैं इस घर में, सालों, तो मैं इस घर को कैसे छोड़ सकती थी। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद